हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माई चैनल के एम टू बाई विनय सर। तो आज डिस्कस करने वाले हम लोग क्लास टेंथ साइंस का मई 2021 का पेपर, जो कि न्यू कोर्स है, जिसमें हम लोग ज़्यादातर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगा। बाकी सबका मैं MCQ जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, शॉर्ट है, उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पैटर्न है आपका पेपर का, इसमें मई 2020 न्यू कोर्स है, मैक्सिमम 80 मार्क्स है, 3 आवर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पेपर में। देखिए, राइट क्लियर एंड एलिजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है, 1 to 53 क्वेश्चन ABCD सारे मिला के हैं। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होता है, नंबर ऑफ राइट प्रेजेंट मार्क्स, ठीक है, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो है, ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 1 to 6 यहाँ पर MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, फॉर क्वेश्चन 1 to 6 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो ईच क्वेश्चन MCQ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। द बर्निंग ऑफ कोल इज टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोल को जब हम बर्न कराते हैं, मतलब कोल का मतलब क्या हुआ, कार्बन। इसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, किसी चीज़ को बर्न करना है तो ऑक्सीजन चाहिए थी, यहाँ से क्या बना, CO2, और प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज करता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो एक्सोथर्मिक ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है एंडोथर्मिक, एंड कम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन, दैट इज कम्बिनेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, अ मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, ठीक है, C2H4 हैज। अब इथीन जो है वो कार्बनेट्स कंपाउंड का है। तो इथीन में देखो, अगर मैं यहाँ पर इथीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन दिए हैं। तो पहली बात, यहाँ पे दोनों के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इसके पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, और सेम केस यहाँ पर 1-2 हाइड्रोजन इससे अटैच्ड होंगे। तो अब ऑप्शन दे रहा, देखिए ये ऑप्शन दिया ओनली सिंगल बॉन्ड, नहीं, इसमें डबल एंड सिंगल दोनों बॉन्ड है। तो आपका सीधा सा आंसर क्या दिख रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। आपसे ये भी पूछ सकता था कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, कितने डबल बॉन्ड होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड। बट ऐसा आपको दिया नहीं है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, इज नेसेसरी फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये बायो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो होगा, CO2 भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सनलाइट भी होगा, तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ एबो, CO2, क्लोरोफिल एंड सनलाइट दोनों, ये तीनों यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, थर्ड का डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बायो का क्वेश्चन है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में कौन कौन से, सिर्फ ऐसे ही देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया आपको, 1, 2, 3 दिया है, 4 दिया है, तो इसमें आपको कौन से को बताना है कि जिसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो। तो देखिए, पहला जो है, क्या ये बायोडिग्रेडेबल सारे सब्सटेंस है जो ऑप्शन में आपको दिया है। देखिए क्या दिया पहले में, ग्रास, फ्लावर एंड लेदर। ठीक है, बिल्कुल सही, ये तीनों के तीनों सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है, ग्रास, वुड, प्लास्टिक। तो देखो, प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। थर्ड दिया है फ्रूट, पिल्स, केक एंड लेमन जूस, तो इसमें तीनों के तीनों क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। और लास्ट केक, वुड एंड ग्रास, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो अपना जो आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो कौन सा ऐसा दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका, फोर्थ का आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दिया है, देखिए, विच टाइप ऑफ इमेज कैन नॉट बी ऑप्टेन बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से आपको वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा, ए, वर्चुअल एंड स्मॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6, तो 5th फिजिक्स का क्वेश्चन था और 6 भी जो है फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो।
तो रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है, इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है। इसका जो आंसर होगा वो डी, ऑल ऑफ एबो 6 का। ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के टोटल 6 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक, 7 to 12 जो क्वेश्चन होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज नोन एज, सो क्या बोलते हैं? याद करिए क्या था, कैटिनेशन। इसी को एक और चीज़ बोलते हैं, इसको सेल्फ, ठीक है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। ये भी आप ध्यान रखिए, क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अदर कार्बन एटम, ठीक है, बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम एंड फॉर्म अ ह्यूज चेन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसका आंसर जो होगा कैटिनेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट थे। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लॉ ऑफ ट्राइड्स, डोबेरियंस ने ही ट्राइड्स का ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने तीन तीन ग्रुप का एक ग्रुप बनाया था, तीन तीन एलिमेंट का, सिमिलर एलिमेंट का, और ये देखा था कि जो मिडिल एलिमेंट होता है उसका जो मास होता है अदर टू एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइड्स जो डोबेरियंस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो 9 क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स रेगुलेट बाय सेल, तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो गार्ड, ठीक है, गार्ड सेल से ये ओपनिंग एंड क्लोज होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोड्यूसेस टेस्टोरोन हार्मोन्स, तो इसका जो आंसर होगा टेस्टिस, ये टेस्टोरोन हार्मोन्स सीक्रेट करता है, 10 का टेस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, कॉनकेव लेंस विथ फोकल लेंथ हैवी लार्जेस्ट पावर, तो जिसकी स्मॉल वैल्यू होगी उसका लार्जेस्ट पावर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी अप्रोक्सीमेटली जनरेट बाय सोलर सेल, 0.7 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो टोटल ये फिल इन द ब्लैंक वाले भी क्वेश्चन हो गए। अब इसमें से देखिए 13 to 16 जो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है 13 का, मेंडलीफ नेम्ड गैलियम एज इका सिलिकॉन, ठीक है, बिल्कुल गलत है। तो गैलियम जो होता है, इका सिलिकॉन जो होता है वो जर्मेनियम के लिए होता है, नॉट फॉर गैलियम। तो ये जो आंसर है आपका 13 का वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ ऑप्टन प्लांट इन F2 जनरेट ऑफ मेंडेलिनियम एक्सपेरिमेंट, तो ये भी गलत है, फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। 15 जो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल मीडियम शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। 16 का, सोलर कुकर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड बाय लाइट एनर्जी, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें जो है, मैं फिर एक बात बता देता हूँ, 13 का जो होगा वो फॉल्स है, 14 का जो होगा ये भी फॉल्स है, 15 का जो होगा ट्रू है, एंड 16 का जो है वो भी फॉल्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 to 24 जो क्वेश्चन है वो सब 1 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। विच एक्शन, ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, तो विच एक्शन आर कंट्रोल बाई मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, इसका आंसर क्या होगा, इनवॉलेंट्री, ठीक है, बायो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 18 क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ अरेस्टेड फ्लावर ऑफ वाइल्ड कैबेज प्लांट है लीड टू डेवलपमेंट ऑफ विच वेजिटेबल, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है, कमेंट में कर सकते हैं कि 18 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, फ्यू ईयर बैक विच एनिमल फॉसिल वार फाउंड इन नर्मदा वैली, तो डायनासोर का आपको वहाँ पर फॉसिल ईयर मिला था एनिमल का। नेक्स्ट 20 जो क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ किलो वॉट आवर यूनिट, तो एनर्जी आप, ठीक है, इसका हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21, वॉट इज़ द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेटर, तो वहाँ पर मेन रिस्क क्या है, यहाँ पर पॉल्यूटेंट यहाँ पर क्रिएट होंगे, ठीक है, पॉल्यूमेंट्री, यहाँ पर रिस्क क्या होगा, पॉल्यूशन का। 22 जो क्वेश्चन है, यूज ऑफ प्लास्टिक डिस्पोजल कप ऑफ सर्विंग ट्रेन शुड बी अवॉइडेड स्टॉप बिकॉज, ये जो होते हैं वो
नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल वेस्ट होते हैं, ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते, इसलिए इनको अवॉइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो 23 क्वेश्चन है वो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ एनर्जी एक साइड दिया है, एक साइड टाइप दिया है, ठीक है। तो बताइए आपका जो ए है यहाँ पर, ठीक है, मिनरल ऑयल जो होता है रिन्यूएबल, न्यूक्लियर एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल। तो मिनरल जो ऑयल होता है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ओशियन थर्मल जो होता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, फाइंड आउट द मिसमैच पेयर फ्रॉम फॉलोइंग। तो आपको इसमें से वो आपको चूज करना है जो मिसमैच्ड है। तो पहला है आयोडीन एक्टिवेट थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही है। इंसुलिन रेगुलेट द शुगर इन ब्लड, ये भी सही है। पिट्यूटरी सीक्रेट्स नेसेसरी फॉर बैलेंस ग्रोथ, ये भी सही है। और फोर्थ दिया ओवरी रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये गलत है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी हमने 1 से लेकर 24 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सब क्वेश्चन क्या थे, 1 मार्क्स के थे, ठीक है। बाकी अभी मैं सेक्शन बी में आपको और सेक्शन सी में और सेक्शन डी में केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी बायो का आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है 25, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, ठीक है। एसिड को वाटर में, हम जब से कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है। तो ये बोला जा रहा है कि हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं, ठीक है, स्लोली, बट हम एसिड में वाटर को नहीं मिलाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर हम, ठीक है, इसलिए वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, इसलिए हम उसको स्लोली स्लैंड करके इसको पानी में एसिड को मिलाते हैं। 26 का जो क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ मेटल विच, देखिए पहला जो है इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है कि मर्क्यूरी जो होता है जिसका सिंबल Hg होता है, ये एक लौता मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। सेकंड है इट कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, तो सोडियम एंड पोटेशियम को आसानी से, इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये आसानी से कट हो सकते हैं। बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर होता है, ठीक है, कॉपर होता है, ये सब बेस्ट कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर कौन सा होता है, लीड होता है, Pb, ठीक है। तो 1 मार्क्स, ये हाफ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन थे। 27 क्वेश्चन, राइट टू 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न। तो मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन का जो मेथड था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, और मॉडर्न जो था वो क्या था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। ओके, तो मेंडेलीव में बहुत सारे ड्रॉबैक थे, ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप को लेके, और इसमें क्या था, कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं था। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता तो उसको 1 में रख दिया, और इन्होंने यहाँ पे ड्रॉबैक था, ठीक है। बाकी एटॉमिक मास में एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट थे, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स क्या है, 12। अब 12 है तो इसका मतलब एलिमेंट कौन होगा, मैग्नीशियम। तो आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स एंड राइट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की मैग्नीशियम की बात करें तो क्या होगा जाएगा, 2 8 2 हो जाएगा। स्टेट विच ग्रुप एंड पीरियड डज एक्स बिलोंग। तो ये इसका अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड इसका 3rd होगा, और ग्रुप कौन सा होगा, इसका जो ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा वो कौन सा, 2nd ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट 29 जो क्वेश्चन है वो, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट डीएनए रिकॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसको आप ट्राई करिए, बायो का क्वेश्चन है। 30 जो क्वेश्चन है ये भी बायोलॉजी का है, ठीक है। 31 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सेइंग देयर पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। और 32 भी ओम्स लॉ का डेरिवेशन है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान, व्हाट विल बी योर रोल इन स्वच्छ भारत अभियान, ये आपका खुद से लिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 36 जो क्वेश्चन है ये भी, एक्सप्लेन टू आर, तो ये फिजिक्स का है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में आ जाते हैं। तो सेक्शन सी में आंसर एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम 37 टू 45, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो सबसे पहला जो है 37 केमिस्ट्री का, स्टेट डिफरेंस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी टू टाइप ऑफ अप्रोप्रिएट केमिकल रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन और डिकम्पोज इन टू टू और मोर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट और कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके सोर्स के बेसिस को थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो थर्मल क्या होगा, जिसमें हम रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हीट के प्रेजेंस में, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है। तो तीनों का एक एक एग्जांपल भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 38 जो क्वेश्चन है, ऑन गोल्ड स्मिथ मेक ऑर्नामेंट्स ऑफ 22 कैरेट गोल्ड एंड सेल इट एट प्राइस ऑफ 22 कैरेट। तो फर्स्ट है, वाई कैन नॉट वी यूज 24 कैरेट गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, डिफॉर्म हो जाएंगे थोड़ा सा प्रेशर लेके, इसलिए हम 24 कैरेट गोल्ड का ऑर्नामेंट्स नहीं बनाते हैं। सेकंड है, विच मेटल आर मिक्स्ड विद गोल्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पर हम कॉपर यूज कर सकते हैं या फिर सिल्वर मेटल यूज करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी लगभग गोल्ड से मिलती जुलती है, ठीक है। और थर्ड है, राइट वैल्यू ऑफ गोल्ड स्मिथ इन ऑब्जर्व हियर। तो यहाँ पर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी वो मेजर करता है, ठीक है। 39 जो क्वेश्चन है, कंपाउंड एक्स एंड एल्युमिनियम यूज्ड इन ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। तो पहला है, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स। तो थर्मिट रिएक्शन आपने सुना होगा, ठीक है। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है कि एल्युमिनियम को जब हम फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये दोनों ही सॉलिड होते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिलीज होता है, यहाँ से क्या बनाता है, Al2O3 सॉलिड और प्लस यहाँ से क्या होता है, आयरन लिक्विड स्टेट में रिलीज होता है। ये थर्मिट रिएक्शन, इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है, और बाकी यहाँ पे 2 कर दो, ये रिएक्शन बैलेंस है, थर्मिट रिएक्शन इसी को बोलते हैं। तो जो कंपाउंड है वो Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कंपाउंड क्या होगा, Fe2O3 हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। नेम ऑफ रिएक्शन जो होगा उसको बोलते हैं क्या, थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। और राइट बैलेंस इक्वेशन है तो हमने दिखाई दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन, फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन हार्मोन्स, ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, आप ट्राई करिए। 41 को एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ करना, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ह्यूमन आई से है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है ये बायो का क्वेश्चन है 42, ठीक है, इसको ट्राई करिए आप। नेक्स्ट जो 43 क्वेश्चन है, लेंस, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45, ये भी फिजिक्स का है। अब आ जाते हैं सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में ये टोटल एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 46, एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट विथ नीट एंड डेबल डायग्राम, एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3, इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 और प्लस यहाँ से H2O निकलता है। इसको आप देखोगे, पढ़े होंगे तो इस रिएक्शन को आपको डायग्राम से एक्सपेरिमेंट में दिखाना होगा, NCERT में लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टिंग बाई हनी बीज। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा, ये एक एसिडिटी आपने देखा होगा, ठीक है। एसिडिटी क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यू टू इनडाइजेशन ऑफ फूड और कॉल्ड एसिडिटी। और एसिडिटी को रिलीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड। तो एंटा एसिड का भी आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा कि एंटा एसिड क्या होता है, कि अ केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, तो ये सब रेमेडी के लिए हम यूज करते हैं। स्टिंग ऑफ हनीज भी, तो यहाँ स्टिंग ऑफ हनी बी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है,
फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है, ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए वहाँ पर हमें पेन होता है। उसको रिलीफ के लिए हम वहाँ पर क्या लगा लेते हैं, बेस लगा लेते हैं, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 48 क्वेश्चन है, नेम द आयनिक ग्रुप कंटेनिंग इन सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट का आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH-। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टीरेट एसिड होता है, इसी को सोप डिटर्जेंट का मैकेनिज्म पूरा क्लीनिंग एक्शन आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है नेफ्रॉन का, ये बायो का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम, तो ये भी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का बायो का। ये जो क्वेश्चन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। और 52 जो क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट, ये भी फिजिक्स का है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये है फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने ये पेपर डिस्कस किया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। और इसका आपको, इस पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।